बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी तो उस वक्त वो अपनी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुई थी। अब एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा अपनी ड्रेस को लेकर विवादों में आ गई हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कैलेंडर लॉन्च किया गया था जिसमें प्रियंका चोपड़ा की फोटोज आई हैं। बस फिर क्या था, इसी फोटो को लेकर विवाद बढ़ गया है। असम में कांग्रेस ने प्रियंका के कपड़ों पर एतराज जताया और उसे संस्कृति के खिलाफ बताया है। कांग्रेस ने कहा, छोटे कपड़े हमारी सभ्यता को नहीं दर्शाते। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रियंका चोपड़ा को एम्बेसडर पद से हटा देना चाहिए। इस मामले पर बोको एमएलए नंदिता दास और एमएलए रूप ज्योति ने प्रियंका को हटाए जाने की मांग की है। बता दें कि असम में बीजेपी की सरकार है। कैलेंडर में प्रियंका ने पीले कलर की डीप नेक फ्रॉक पहनी है। कांग्रेस विधायकों ने कहा, प्रियंका ने कैलेंडर में फ्रॉक पहनी है, ये असम का कल्चर नहीं है। राज्य में टैलेंटेड लोगों की भरमार है, ऐसे में प्रियंका को ये पद देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जर्मनी दौरे के दौरान मिली थी। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर वो अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल हुई थी। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के दौरान नील लेंथ ड्रेस पहनी थी। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।